Hi girls, my name is Vani and Fashion Tableau channel में आपका फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टाइलिंग टिप्स दूंगी जो कि साड़ी से रिलेटेड हैं और वो भी स्पेशली जो हैवी और चबी मोटी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, बहुत ज़्यादा चबीनेस है, मोटी हो गई हैं, फैटी हो गई हैं, तो उनको किस तरीके से साड़ी वियर करनी चाहिए जिससे वो पतली लगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ और बहुत मेन मेन टॉपिक और बहुत मेन मेन टिप्स एंड ट्रिक्स स्टाइलिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप थोड़ी सी पतली लगेंगी। ठीक है, ये सारे स्टाइल्स को यूज़ करके। एंड आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ओके, तो विदाउट टॉकिंग टू मच वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लग रहा है या फिर आपको इस लुक में से कुछ भी पसंद आ रहा है या फिर आप इंटरेस्टेड हो लेने में, तो ये सारे ऑनलाइन बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप मेरा ये पूरा लुक जो मैंने क्रिएट किया है वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ओके, तो मैं आपको बता दूं, साड़ी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबको पता है, वो ब्लाउज़ होती है। तो ब्लाउज़ अगर आप सही तरीके से अपनी साड़ी के साथ पहनेंगे तो ओवरऑल आप पूरी तरीके से स्लिम दिखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लाउज़ को थोड़ा सा डीप नेक में बनवाना है, थोड़ी ब्रॉड नेक बनवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्वायर ब्रॉड नेक नहीं बनवानी है, बट जैसे आप देख पा रहे हो इस टाइप के आपको थोड़े डीप नेक बनवाने हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉलर बोन, आपकी जो गर्दन होगी वो थोड़ी लंबी दिखेगी, आप उसकी वजह से थोड़े स्लिम दिखोगे। आप अपने लिए वी नेक्स बनवा सकते हो। हमेशा मैं आपको कहती रहती हूँ कि आपके लिए वी नेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ब्लाउज में, जिससे लंबे दिखते हो, पतले दिखते हो, तो ये चीज़ आप हमेशा अपने ब्लाउज में करो। आप बहुत ज़्यादा बंद गले, बहुत ज़्यादा टर्टल नेक्स जो आते हैं वो, उस तरीके के नेक्स आपको अवॉइड करने हैं, इससे आप कहीं ना कहीं मोटे दिखते हो। आप हमेशा ट्राई करते रहा करो, अपने आप को मिरर में देखो कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, बट जो मैं बता रही हूँ क्या वो सच में वैसा ही काम करता है जैसा मैं बता रही हूँ, तो आप खुद से अपने आप को मिरर में देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा ब्लाउज पहनना है। ओके, तो नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी कि आप हमेशा अपने ब्लाउज की जो लेंथ होगी साड़ी में वो आप हमेशा एल्बो लेंथ तक रखिए। कभी भी शॉर्ट लेंथ का ब्लाउज आपको नहीं पहनना है, चाहे वो स्लीव हो, चाहे वो आपका ब्लाउज की जो लेंथ है कभी भी कम नहीं रखनी है। उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपकी स्किन जितनी ज्यादा शो होगी उतना ही ज्यादा आपको वो बल्किनेस उधर से दिखाएगा। तो आपको हमेशा ट्राई करना है, फुल स्लीव का ब्लाउज आप ट्राई कर सकते हो, 3/4 ब्लाउज ट्राई कर सकते हो, एल्बो लेंथ का ब्लाउज ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो आर्म्स में जो फैट होगा वो छुप जाता है और आप कहीं ना कहीं स्लिम और स्मार्ट दिखते हो। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखो और शॉर्ट स्लीव और स्लीवलेस जो ब्लाउजेस होते हैं उनको आप अवॉइड करो। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ साड़ी से रिलेटेड, आपको कभी भी लाइट कलर की साड़ियाँ चूज नहीं करनी है, चाहे वो ब्लाउज ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट कलर के आपको नहीं पहनने। ठीक है, लाइट कलर के आप पहनोगे तो इससे क्या होगा कि आप मोटे दिखोगे। ठीक है, तो उसकी जगह पे आपको डार्क कलर की साड़ियाँ ब्लाउज चूज करने चाहिए जिससे आप थोड़े स्लिम दिखते हो। आप ट्राई करना, जितने ही डार्क कलर्स होंगे, लाइक ब्लैक कलर ही क्यों ना हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं स्लिम दिखाता है और जितने भी लाइट कलर होते हैं वो आपको थोड़ा बल्कि मोटे दिखाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ट्राई करो, जब भी आप साड़ी या ब्लाउज परचेस करते हो, बनवाते हो ब्लाउज को, तो डार्क कलर्स में बनवाइए, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपको पतला और स्लिम दिखाएगा वो। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप साड़ी को अपने वियर करते हो, मैं बहुत ज़्यादा डीप जाकर नहीं बता रही हूँ, और भी मैंने वीडियो बनाए हैं इन सबसे रिलेटेड, तो आप वो सारे चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप जाकर मैंने उनमें एक्सप्लेन किया है, बट आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आपको बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप साड़ी पहनते हो तो आपको हमेशा ओपन पल्ला स्टाइल में साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा टमी एरिया उसमें छिप जाता है और आगे से आप बहुत ज़्यादा स्लिम दिखते हो। ना कि आप प्लीट्स बनाकर यहाँ पर रख लोगे तो यहाँ का जो साइड वाला एरिया होता है जितना भी खुला हुआ, तो वहाँ से आपका टमी एरिया भी दिख सकता है जिससे आप थोड़े मोटे दिख सकते हो। तो हमेशा ट्राई करो कि ओपन पल्ला स्टाइल में साड़ी पहनो। ओके, तो नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो आप मॉडर्न पेटीकोट की तरफ जा सकते हो। यस,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल में आजकल पेटीकोट्स आने लगे हैं, तो इस तरीके के पेटीकोट्स आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो। वो क्या करते हैं, आपकी टमी को अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे टमी वाला एरिया बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, और उसके साथ आप साड़ी ड्रेप करते हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पतले लगते हो। ठीक है, तो इस तरीके की पेटीकोट्स आप कभी कभी पहना करो, अगर कोई स्पेशल डे है तो उसमें आप इस तरीके के पेटीकोट्स यूज़ कर सकते हो, ना कि अपने ट्रेडिशनल पेटीकोट्स को यूज़ करके। ट्रेडिशनल पेटीकोट्स में क्या होता है कि वहाँ पर नाड़ा होता है और काफ़ी सारी गैदरिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है और भी ज़्यादा बल्किनेस ऐड होता है, तो इससे आपको अवॉइड करना है तो आप स्ट्रेचेबल पेटीकोट्स की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे पेटीकोट्स के साथ ना आपको एक स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है, आपकी कमर का शेप काफ़ी अच्छा निकल कर आता है, तो आप इस तरीके के स्ट्रेचेबल पेटीकोट्स जरूर अपने पास एक दो रखिए, ताकि आपको बार बार यूज़ करने में काम आ सके। ठीक है, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो जैसे कि रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, इस तरीके के दो तीन आप स्ट्रेचेबल पेटीकोट्स अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, चलने फिरने में भी कई तरीके के स्ट्रेचेबल पेटीकोट्स आते हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप अपनी साड़ी के साथ। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।